नाउ वी विल सी डिटोनेटिंग फ्यूज, इसको शॉर्ट में डीएफ बोलते हैं, ठीक है। आपके ओपन कास्ट माइंस में जहां लार्ज नंबर ऑफ होल्स में डीप होल ब्लास्टिंग करते हैं, वहां पर इनिशिएटिंग सिस्टम में दो ही चीज का इस्तेमाल होता है, या तो नोनेल या तो डिटोनेटिंग फ्यूज, ठीक है। नोनेल आने के बाद इसका यूज कम हुआ है, क्यों? क्योंकि नोनेल का लेस ग्राउंड वाइब्रेशन होता है, नोनेल से लेस नॉइज होता है, गुड फ्रेगमेंटेशन होता है, वो इसमें थोड़ा सा कम है। बट ये मतलब नहीं हुआ कि इसका वैल्यू कम हो गया, इसका अपना इंपॉर्टेंस है डिटोनेटिंग फ्यूज का, इसका वही पर्पज है जो नोनेल का है। पहले पॉइंट हम लिखे डिटोनेटिंग फ्यूज सर्व द सेम पर्पज एज नोनेल, ठीक है। ये क्या होता है, एक प्लास्टिक का ट्यूब रहता है, क्या रहता है, प्लास्टिक का एक ट्यूब रहता है, उस ट्यूब के अंदर एक कोर होता है पीटीएन का, पुराने जमाने में टीएनटी से बनता था, अब जो नया ट्रेंड आ गया कहे से बनता है, पीटीएन से, पीटीएन का कोर रहता है, उस पीटीएन कोर को भी हम क्या करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, यहां लिखा है देखिए, पीटीएन कोर को हम टेप से इनक्लोज्ड कर देते हैं और उसके ऊपर भी टेक्सटाइल या सूती कपड़ा लपेट देते हैं और टोटल जो थिंग हुआ उसको प्लास्टिक ट्यूब से के अंदर डाल दिया, ठीक है। एक प्लास्टिक का ट्यूब रहता है जैसे अपन घर में तार इस्तेमाल करते हैं उसी टाइप का, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, तार है, जो ऊपर क्या था लाल पीला हरा नीला सब कोटिंग आता है, प्लास्टिक कोटिंग आता है, प्लास्टिक ट्यूब आता है, उसके अंदर आपने क्या डाला है, बिजली वाले तार में कंडक्टर मतलब तार, कंडक्टर मतलब तार, और ये डिटोनेटिंग फ्यूज में क्या रहेगा, उस प्लास्टिक ट्यूब के अंदर पीटीएन का कोर रहता है, क्या रहता है, पीटीएन का कोर रहता है, बस इतना ही है। अब इसमें सिक्वेंस ब्लास्टिंग करना है हमको, करना है जी, पहला लाइन ब्लास्ट हो फिर दूसरा हो तीसरा हो, तो सिक्वेंस ब्लास्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, जब भी डिटोनेटिंग फ्यूज यूज करेंगे तो इसके साथ डिटोनेटिंग रिले इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डिले के लिए सीक्वेंस में हमको ब्लास्टिंग करना है, तो डिटोनेटिंग फ्यूज के साथ हम क्या यूज करते हैं, डिटोनेटिंग रिले। इसी डिटोनेटिंग रिले का जो ट्रेड नेम, कहीं कॉर्ड रिले बोल देंगे तो आप आग बका जाइएगा, बोला कहा बोल दिया जी, ये तो अलग ही चीज पूछ लिया। कॉर्ड रिले डिटोनेटिंग रिले का ट्रेड नेम है, ये डिटोनेटिंग फ्यूज को आईएल जो बनाता है उसका नाम कॉर्ड टैक्स है। अब मोबाइल बनाते भैया, मोबाइल तो मोबाइल ही ना है जी, कोई सैमसंग बनाता, कोई ओप्पो बना रहा, आजकल तो बाढ़ आ गया ढेर सारा, तो वो नहीं ना है मोबाइल, मोबाइल तो मोबाइल है, आपको मोबाइल देखना है, आपका मोबाइल क्या है, मेन चीज क्या है, डिटोनेटिंग फ्यूज। अब इसको कोई कार्टेक्स से नाम, कॉर्ड टैक्स के नाम से आईएल बनाता है, कल हमारा अभिषेक खोल लेगा एक एक्सप्लोसिव कंपनी, वो डिटोनेटिंग फ्यूज बनाएगा, उसने अभी डिटो रख दिया नाम, ठीक है, वो अलग बात है, उससे कोई लेन देन नहीं। आप क्या चीज देख रहे हैं, डिटोनेटिंग फ्यूज, डिटोनेटिंग रिले की जब बात आएगी, वही कहीं कॉर्ड रिले लिख दिया तो वो एक ही बात हुआ, ठीक है, इतना हुआ, ये हो गया। और इसका वीओडी, वीओडी याद रखिएगा, वीओडी कितना होता है, 6500 से 7000 मीटर पर सेकंड, और आपका उधर हम नोनेल बताए थे कितना बताए थे भैया, 1800 मीटर पर सेकंड, मतलब 1.8 किलोमीटर पर सेकंड, और ये इससे बहुत ज्यादा है, कितना है, 6500 to 7000 मीटर पर सेकंड वीओडी है इसका। डाया 5 mm रहता है, वेट जो रहता है 1 मीटर लंबा डीएफ का वेट अबाउट 20 ग्राम होता है, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ होल्स को आप एक साथ ब्लास्ट कर सकते हैं बाय सिंगल डिटोनेटर। ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग वाला हम वीडियोस भेजे एक्चुअल फील्ड्स, वो सबको भी देखिएगा ताकि समझ आएगा इसको, ये समझाने के बाद हम एक फिगर के माध्यम से भी समझाएंगे, ठीक है।
या क्या हम लिखे आप लोगों के लिए ऐसा ही छोटा छोटा लिखेगा, डिटोनेटिंग फ्यूज सर्व द सेम पर्पज एज नोन एल इट डायरेक्टली इनिशिएट हाई एक्सप्लोज यू वाइल देमसेल्स नीडिंग ए डिटोनेटर फॉर इनिशिएशन। ये डायरेक्टली हाई एक्सप्लोसिव को डिटोनेट कर देता है, लेकिन ये अपने को भी इनिशिएशन के लिए क्या खोजता है, डिटोनेटर। आप डिटोनेटर ब्लास्ट कीजिएगा तो आपका क्या इनिशिएट होगा, डीएफ, और जब डीएफ इनिशिएट होगा ये जलते हुए जाता है, जैसे नोनेल में शॉकवेव जाता है, इससे शॉकवेव जाता है, जलते हुए जाएगा और सीधा किसको इनिशिएट कर देगा, हाई एक्सप्लोसिव जो होल के अंदर है, ठीक है। सीक्वेंस क्या लिखा है, इट डायरेक्टली इनिशिएट हाई एक्सप्लोसिव वाई जबकि देमसेल्स अपने आप को नीडिंग ए डिटोनेटर फॉर इनिशिएशन। सीक्वेंस ब्लास्टिंग विद डिटोनेटिंग फ्यूज डीएफ डिटोनेटिंग फ्यूज कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ डिटोनेटिंग रिलेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोर रिले। इट कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ पीईटी एंड इनक्लोज इन अ टेप विच इज रेप्ड इन अ टेक्सटाइलियन एंड होल थिंग कवर्ड विथ प्लास्टिक, प्लास्टिक और प्लास्टिक ट्यूब, डाया 5 mm, वीओडी बता दिया, वेट बता दिया, लार्ज नंबर ऑफ होल्स कैन बी ब्लास्टेड विद द डिटोनेटिंग फ्यूज बाय ए सिंगल डिटोनेटर, ठीक है। इसका एक स्केमेटिक डायग्राम हम आपको बताते ताकि आप लोग को इसमें समझने में इजी। देखिए ये मान लो मेरा एक होल है, ठीक है, हम क्या करते हैं, आपका डिटोनेटिंग फ्यूज रस्सी टाइप का रहता, प्लास्टिक का ट्यूब है, ठीक है। मान लो हम एसएमई इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एसएमई साइक्लिक इमल्सर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिटोनेटिंग फ्यूज के एक एंड में हम बांध देंगे क्या, बूस्टर, ठीक है। तो ये मेरा डिटोनेटिंग फ्यूज है, ये गया होल के अंदर और इसके साथ क्या गया, एक बूस्टर, ये क्या हुआ, बूस्टर, ये क्या आपका डिटोनेटिंग फ्यूज, और इसके बाद इसके अंदर हमने क्या भर दिया, ये भर दिया आपका इतना एक्सप्लोसिव भर दिया, और इधर स्टेमिंग कर देंगे, ठीक है, इधर स्टेमिंग कर दिया, ठीक है। ये आपने होल चार्ज कर दिया, इस टाइप के होल रहेंगे आपके, सारे होल को क्या करेंगे आप जोड़ देंगे, सारे होल को आप जोड़ देंगे, लास्ट में बाहर निकाल देंगे कनेक्शन, ठीक है। ये सब डिटोनेटिंग फ्यूज से क्या किया, इनको सबको जोड़ दिया होल को, ये लास्ट लाइन को जोड़ा और बाहर निकाल दिया, और यहां पर आप एक डिटोनेटर बांधेंगे, क्या बांधेंगे, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, और इस इलेक्ट्रिक डिटोनेटर को एक्सप्लोडर के माध्यम से ब्लास्ट करेंगे, एक्सप्लोडर से जुड़ा रहेगा शॉर्ट फायरिंग केबल से आपका डिटोनेटर, और डिटोनेटर से आपका क्या जुड़ा रहेगा, डीएफ। तो जैसे ही एक्सप्लोडर का चाबी ऑन करेंगे तो करंट पास होकर के कहां जाएगा, ये आपका क्या है, डिटोनेटर, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, सिंगल डिटोनेटर की जरूरत होता है ओपन कास्ट में, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर सिंगल, ठीक है, यहां से पास किया, होल ब्लास्ट हो गया, ऐसा होता है डिटोनेटिंग फ्यूज में, ठीक है।